श्रीमती रामान जय राम। हमारी अंतर्गत इच्छा का प्रोत्साहन और इच्छा का सफल प्रगति के लिए जो शक्ति आवश्यक है, वो शक्ति से घटित और भद्द शब्दों का आकर को हम मंत्र बोलते हैं। हमारी अभीप्सित दिल में जो वांछित अभिप्राय नहीं तो पुरुषार्थ है, वो फल है, वो फल प्राप्ति के लिए जितना शक्ति हमारे अंतर्गत है उससे ज़्यादा शक्ति चाहिए। इच्छा तो बहुत है, योग्यता तो बहुत कम है ना, इसलिए वो अर्हता तो हमको अवश्य बाहर से लेना चाहिए। वो अर्हता लेने के लिए बहुत सारा उपाय शास्त्र में बता दिया है, जिसमें एक शब्द प्रमाण नहीं तो शब्द उपाय को मंत्र बोलते हैं। जिस शब्दों का निरुपाधिक स्वतः सिद्ध शक्ति एक वाक्य में संगठित है, जिस वाक्य को हम मंत्र बोलते हैं, जो शब्द में शक्ति भरित है वो शब्द को हम बीज बोलते हैं, जो वाक्य में शक्ति भरित है वो वाक्य को हम मंत्र बोलते हैं, जो आत्मी में वो शक्ति भरित है उनको सिद्ध बोलते हैं, जो उसका आकार और मूलभूत उसको परमात्मा कहते हैं। इसलिए शक्ति शक्ति में ना एक काम करने के लिए जो अत्यावश्यक प्रेरण प्रक्रिया उसको हम शक्ति बोलते हैं। इसलिए पहले मंत्र का परिचय हुआ है, मंत्र का उपदेश तो पहले बार कोई भी नहीं देंगे, कुंडली देख के बिना आदमी को देख के बिना शादी तो कोई भी नहीं करवाएंगे, पहले तो मंत्र का परिचय करना चाहिए। परिचय में यदि सिद्धि होगी फिर वो मंत्र का अर्थ और मंत्र का जो स्वरूप का भाव इसका सब परिणाम का व्याख्यान करेंगे, उसको बोलते हैं प्रावीण्य। पहले हम करते हैं परिचय, दूसरा हम दे देंगे प्रावीण्य, जो जो मंत्र भी बता दिए वो मंत्र का अर्थ काल ये सबको बताना चाहिए, जिसके बिना केवल शब्द मात्र उच्चारण से पूर्ण फल हमको तो नहीं मिलेगा, इसलिए वो दूसरा प्रावीण्य है। और तीसरा स्थान में तो उपदेश, जितना भी हो आचार्य के अंतर्गत प्रतिष्ठित एक शक्ति है वो आचार्य का खुद आमनाय वो वचन से बोलना है, और दक्षिण खान में तो बोलना चाहिए, वो खान में बोल के सक्रम धर्म के साथ बैठ के वो सबको मंत्रोच्चारण उसका प्राण प्रतिष्ठा तो अंतर्गत शक्ति उसका प्रतिष्ठापन के लिए एक आचार्य का संबंध तो अवश्य होना चाहिए। इसलिए वो आंतरिक प्रतिष्ठा के लिए उपदेश तो तीसरा नहीं तो अंतिम स्थान है, अंतिम प्रक्रिया है। इसलिए पहले आपको परिचय हम दे दिए, इसके बाद तो इसमें प्रावीण्य होना चाहिए, इसके बाद एक एक और वो प्रतिष्ठा करने के समय में उपदेश करने के समय में ऐसे सबको बुला के नहीं कर सकते, जो वो मंत्र में अभ्यास किए हैं, जो अभी तो आप मंत्र का कंठस्थ किए हैं, आपका मंत्र की स्मृति के बारे में आप तो प्रकट कर लिए, लेकिन अर्थ और भाव भी समझ के वो भी हमको प्रकट करना चाहिए, जिससे उपदेश का मार्ग में चलेंगे। उपदेश होने के बाद आप कुछ सब कुछ कर सकते हैं और यहाँ आप बैठ सकते हैं, हम वहाँ बैठ के सुनेंगे, ऐसा तो होना चाहिए ना। माँ बाप तो बच्चे को पकड़ के मंदिर जाते हैं उनका छोटी उम्र में, फिर वो बूढ़े होने के बाद ये बच्चे लोग पकड़ के मंदिर में घुमाते हैं ना, ऐसे एक दिन आप भी हमको कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको इतना संतुष्टि है, मुझे ये भी डर लगा कि एक बहुत बड़ी गोष्ठी में हम ऐसा प्रकटन किए हैं कि मारुति पटेकर हमारा शिष्य हो, यदि वो नहीं करेगा तो हमारा प्रकटन तो निष्फल हो जाएगा। शिष्य का लक्षण है ज्ञान को लेना, ज्ञान को पूर्ण रूप में लेना, जो ज्ञान वो लिया है दूसरों को वो ज्ञान खिलाना, फिर ऐसा ज्ञान की परंपरा की उत्पादन करना, ये सब ये इस शिष्य का लक्षण है। खुद लेना समझना पूर्ण लेना, सब लोग हमारे पास लेते हैं एक एक दिन, आज वास्तु के बारे में, कल आयुर्वेद के बारे में, कल शाम इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट के बारे में और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में और शाम को फूड और मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ वो लिखते रहते हैं, लेकिन एक ही एक विद्या, बहुत विद्या की जानकारी किसके लिए, विद्या गौरव आचार्य गौरव और ब्रह्म गौरव के लिए। बहुत विषयों क्यों, इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत विषयों का श्रवण नहीं करना है, बहुत विषयों का श्रवण करना ही चाहिए, किसके लिए, विद्या सब सुनने से आपको ज्ञान के पास एक गौरव और एक अच्छा अभिप्राय होगा, ये तो विद्या गौरव और ज्ञान गौरव है,
बहुत विषयों एक आदमी से बार बार सुनने से, बहुत लोगों से सुनने से हमको विद्या के ऊपर, ज्ञान प्रतिभा के ऊपर हमको एक गौरव बुद्धि आ जाएगी। फिर जो बोलते हैं आचार्य लोग, तो ये नहीं, हम ऐसा कुछ ना कुछ समझ के हम घूमते थे, असली रूप में विद्या ऐसा कुछ है, वो हमसे बहुत अतीत और ऊपर है, ऐसा विद्या के बारे में कुछ जानकारी और गौरव मिलेगा। और आचार्य हो कुछ कहानी बोलने वाला नहीं है, इनके पास कुछ समाचार है वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए आचार्य के पास गौरव होगा। और इतना विद्या है और इतने आचार्य है, ये सबको सृष्टि करके निर्माण करने वाला हो तो बहुत बड़ा आदमी होगा, ऐसा ब्रह्म वस्तु के बारे में गौरव होगा। इसलिए बहुत विषय सुनना चाहिए, किसके लिए? विद्या गौरव के लिए, आचार्य के पास गौरव के लिए। आचार्य के पास हम तो गौरव है, हमारे ऊपर तो बहुत आचार्य प्रेम दिखाते हैं, हम भी आचार्य के ऊपर बहुत गौरव दिखाते हैं, लेकिन हम दिल से बोलना चाहते हैं आचार्य जितने पूजनीय है उतनी पूजा हम नहीं कर रहे हैं, जितना गौरवनीय है उतना गौरव बुद्धि हमारे पास नहीं है। इसलिए जितना हम दे रहे हैं वो सब तो पर्याप्त नहीं है, वो सब हम तृप्त नहीं होना चाहिए। आचार्य बहुत बड़ा है और विद्या बहुत बड़ी है और ब्रह्म वस्तु बहुत बड़ा है, वो जितना बड़ा है जितना हमारे ऊपर कृपा रखे हमको कर रहा है उतना हम कृतज्ञता का निवेदन नहीं कर रहे हैं, उतना उसको नहीं समझ रहे हैं। हम जो गौरव पूजन अभिमान जितना कुछ कर रहे हैं वो सब लवलेश मात्र, इसका स्वरूप का पूर्णता और विकास के समझ के हम पूर्णता या कुछ भी नहीं दिखाते हैं, और कुछ बढ़ाना चाहिए, आगे कुछ इसको लगाना भी चाहिए, इसलिए सब कुछ सुनना चाहिए, वो तो एक विभाग है। दूसरा विभाग में हमारा यथेच्छा यथाविधि हमारा युक्त विद्या में पूर्ण अभ्यास होना चाहिए, बहुत कुछ सुनना ही चाहिए, सार रूप में सब कुछ लेना ही चाहिए ज्ञान, लेकिन हमारे लिए कुछ होना चाहिए ना। 10 गाड़ी है, कितने गाड़ी में एक सकते हो चल सकते हो तुम एक बार, एक समय एक ही गाड़ी में चल सकते हैं ना, बहुत कुछ सुनना चाहिए, मैंने बोला गौरववर्धन के लिए, लेकिन एक विषय लेके उसमें